सो हेलो कॉफ़ी लवर्स, तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं ये कॉफ़ी मेकर, कॉफ़ी फिल्टर। एक्चुअली ये मैंने अमेजोन से लिया है अराउंड 300 रुपीज़ में। ये अभी तक के इसको हो गया है 3 से 4 महीना यूज़ किए, तो 3 से 4 महीने के बाद मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। इनिशियली मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम गई थी इसमें कॉफ़ी बनाने में, लेकिन जैसे जैसे आप 2-3 बार बनाते हो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसके जो कंपोनेंट्स है ये सब पूरे स्टील का बना हुआ है, और ये जो कैप है ये भी बहुत स्टर्डी है, इसके ऊपर भी ऐसे पकड़ने के लिए है और ये भी अच्छा खासा स्टर्डी है। और इसके अंदर आपको एक फिल्टर आएगा, इट हैज़ 4 डॉट्स ऑन इट, 4 होल्स एक्चुअली। ये आप इसके अंदर यहाँ दिख रहे, आप देख रहे होंगे यहाँ पर होल्स है बहुत सारे, एक तरह का फिल्टर है ये। तो आप इसमें कॉफ़ी आपको इसमें फिल करना है और आपको इसको हल्के से प्रेस करके लगा देना है। तो ये इतने पार्ट्स है, और उसके बाद ये कलेक्टर आता है जो कि कॉफ़ी का जो एक्सट्रैक्ट है उसको कलेक्ट करता है। ओके, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे कॉफ़ी बनाता हूँ इसमें। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको इसको कनेक्ट कर देना है दोनों को, ठीक है। और आपको एक स्पून, इतना स्पून भर के आपको फिल्टर कॉफ़ी लेना है। ये कैफ़े कॉफ़ी डे की कॉफ़ी है, ओके, ये आप देख सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये कॉफ़ी को इक्वली अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप देख सकते हैं मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, मतलब आपको मेक श्योर करना है कि इसके अंदर आपको जितने भी होल्स दिख रहे हैं वो सब कवर हो जाए बस। ओके, तो मैं इसमें और कॉफ़ी डालूँगा। आप देख सकते हैं कि ये अंदर कॉफ़ी कवर हो गई है, कॉफ़ी से पूरा कवर हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जेंटली इससे ऐसे इसको अंदर मैं रखूँगा और इसको हल्का सा प्रेस कर दूँगा। ओके, ये मैंने हल्का सा इसको प्रेस कर दिया। अब जब मैं इसमें हॉट वाटर डालूँगा, एक्चुअली इसमें क्या करना है कि हॉट वाटर डालना है, यहाँ से हॉट वाटर आपको पोर करना है, पूरा इसको फिल नहीं करना है, इसको थोड़ा सा बाकी रहने देना है यहाँ तक आपको हॉट वाटर करना है, ताकि फिर वो धीरे धीरे इसमें फ़िल्टर हो जाएगा। और आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जब हॉट वाटर पोर करते हो तो आपको इसके ऊपर पानी गिरना चाहिए, इसके ऊपर हॉट वाटर गिरना चाहिए, और इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको फिल करना है। और इसको जैसे ही आप फिल करते हैं जल्दी से इसको कैप से लगा देना है, और 15-20 मिनट के बाद धीरे धीरे आप जब लगाओगे तो एयर प्रेशर बनेगा और स्लोली ये फ़िल्टर होता जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप इसको ऐसे ही खुला छोड़ दोगे तो पूरा का पूरा जल्दी चला जाएगा और कॉफ़ी फ़िल्टर नहीं होगी। ओके, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, हॉट वाटर डालते हैं। तो ये आ गया है हमारा हॉट वाटर। तो अब मैं इसको धीरे धीरे स्लोली इसको पोर करूँगा, स्लोली आपको करना है। ये तो आपको पता ही होगा कि साउथ इंडियन कॉफ़ी का मेथड है, ऐसे फिल्टर करते उधर। तो मैं स्लोली इसको पोर कर रहा हूँ, पूरा फिल ना करते हुए मैंने इसको आपको ऐसे लगा देना है। ओके, मेक श्योर आप 15-20 मिनट्स तक के आप वेट करें, इसको रहने दें। ये क्या होगा, आपने इसमें गर्म पानी डाला है तो ये पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा, तो आपको कहीं भी टच करते हैं तो आपको बहुत मतलब चटका लग सकता है। तो इस बात का ध्यान रहे कि इसको 15-20 मिनट टच ना करें, और जब आप इसको खोलेंगे तो आपको नीचे से यहाँ से कपड़े से पकड़ना पड़ेगा और ऊपर से आपको ये भी कपड़े से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा गर्म हो जाएगा। आप इसको नॉर्मली नेकेड हैंड से आप इसको नहीं निकाल सकते। ओके, तो 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं पूरी कॉफ़ी फिल्टर हो गई है, ठीक है। अभी अगर हम इसको निकालते हैं तो यू कैन सी स्टीम इज़ कमिंग आउट, और इधर इसका रेसिड्यू ये रह गया है। और अगर मैं इसको खोलता हूँ तो हियर वी आर, ये हमारा प्योर कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट। अब इसको क्या करना है, ये मेरा मिल्क है, ये मेरा कॉफ़ी का कप है, तो इसमें मिल्क ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, तो इसमें मैं ये पोर कर दूंगा। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लग रही होगी, लेकिन इतनी क्वांटिटी में पीता हूँ
और ये एक्चुअली आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले इसके अंदर आप इसको आप किसी वेसल में एम्प्टी कर दे और फिर उसमें आप मिल्क डाल दे, लेकिन दोनों भी तरीके सही हैं और दोनों भी इसमें टेस्ट सेम ही आता है। ओके, तो ये थी हमारी फ़िल्टर कॉफ़ी, साउथ इंडियन फ़िल्टर कॉफ़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।